आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के कर्मी हो, शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हो, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो, केंद्र के शासक प्रशासक रहे हो, 75 साल में इन सब के योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है और देश के कोटि कोटि नागरिकों को भी जिन्होंने 75 साल अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सुख दुख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की है, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। और इसलिए, और ये भी सच्चाई है कि सैकड़ों सालों के गुलामी के कालखंड ने भारत के मन को, भारत के मानवी की भावनाओं को गहरे गांव किए थे, गहरी चोटें पहुंचाई थी, लेकिन उसके भीतर एक जिद भी थी, एक जिजीविषा भी थी, एक जुनून भी था, एक जोम भी था। और उसके कारण अभावों के बीच में भी, उपहास के बीच में भी, और जब आजादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को डराने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए सारे उपाय किए गए थे। अगर आजादी आई, अंग्रेज चले जाएंगे तो देश टूट जाएगा, बिखर जाएंगे, लोग अंदर अंदर लड़ करके मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अंधकार युग में भारत चला जाएगा, न जाने क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की गई थी। लेकिन उनको पता नहीं था ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा है। और उसी का परिणाम है हमने क्या कुछ नहीं झेला, कभी अन्न का संकट झेला, कभी युद्ध के शिकार हो गए, आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, छद्म युद्ध चलते रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रही, सफलता विफलता, आशा निराशा, न जाने कितने पड़ाव आए हैं, लेकिन इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ पा रहा। भारत की विविधता जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अतुट प्रवाह है। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है।
एक मन मस्तिष्क का, विचारों का बंधन है और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का कारण लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है।